टू माय यूट्यूब चैनल एमएस पॉइंट। तो हम आज बात करने वाले हैं टीवीएस की मोस्ट पॉपुलर बाइक अपाची आर्टियर 160 आरएन मॉडल के बारे में। तो चलिए, इसका क्या है माइलेज, क्या है इसका ऑन रोड प्राइस, क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, सारे डिटेल्स के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या टॉप स्पीड है, क्या माइलेज देती है ये बाइक, सब कुछ हम बताने वाले हैं इसके। तो फ्रंट का व्यू कुछ ऐसा दिखने में आता है, और रियर का व्यू के बारे में बात करूँ तो कुछ ऐसा आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रंट टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 90-90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर विथ रेडियल टायर देखने को मिलता है, 17 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, 3mm का विथ डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विथ डिस्क पैडल ब्रेक के साथ। और यहाँ पे बात करूँ तो सिंगल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है। अगर सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो वही पुराना वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो बहुत पतली है, थोड़ी सी अपग्रेड करनी चाहिए थी। तो अगर मडगार्ड के बारे में बात करूँ तो वही पुराना वाला मडगार्ड पड़ी है, स्टिकरिंग में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैट ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है। अगर हेडलाइट सेटअप के बारे में बात करूँ तो पहले हेलोजन बल्ब के साथ आपको देखने को मिलता था, अभी यहाँ पे आपको LED सेटअप के साथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो DRL को भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, पहले शेप कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा दिखने में आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेप में कितना चेंजेस किया गया है। अगर वाइजर के बारे में बात करूँ तो हेडलाइट वाइजर को कुछ ऐसा शेप दिया गया है, बहुत पहले से बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। अगर वाइजर के बारे में बात करूँ तो हेडलाइट वाइजर के कुछ ऐसा दिखने में आपको आता है, तो पहले से बहुत से चेंजेस देखने को मिलता है। अगर टर्न लाइट इंडिकेटर देख सकते हो आप, टर्न लाइट इंडिकेटर को भी चेंज किया गया है, जो पहले 164B में आता है वही आपको अब इसमें देखने को मिलता है, टर्न लाइट इंडिकेटर वही बल्ब वाला इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिया देखने को मिलता है। अगर मिरर के बारे में बात करूँ तो वही पुराना वाला मिरर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसको भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। अच्छा, राइट हैंड साइड के व्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड स्विच सेटअप आपको हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच, यहाँ पे टर्न लाइट इंडिकेटर स्विच ऑन स्विच आपको देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, सेल्फ स्टार्टर स्विच, यहाँ पे मोड बटन मिलता है, मोड स्विच भी बोल सकते हो, या से आप अपने बाइक के मोड को चेंज कर सकते हो। तो आपको कोई भी मोड पे चलानी हो तो यहाँ पे आपको दो मोड मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर की के बारे में बात करूँ तो यही पुराना वाला की आपको देखने को मिलता है, जो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो चलते हैं इसका मीटर कंसोल में, फुल्ली LED डिजिटल मीटर कंसोल के साथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आगे और यहाँ पे क्लॉक भी देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल का इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ABS का इंडिकेटर, न्यूट्रल का इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको लो फ्यूल का इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो ये कुछ हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो RTR 160। अगर इस साइड के बारे में आपको देखना चाहते हो तो देखो, इसमें भी बहुत से चेंजेस देखने को मिलता है, मोड बटन, ट्रिप बटन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो मीटर कंसोल है, मेरे को लग रहा है 164B का मीटर कंसोल यहाँ पे दिया गया है। तो चलो, इसका टैंक पैनल के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को आपको मिलता है, जो पहले ऐसा नहीं था, पर अभी ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप हॉर्स का लोगो देख सकते हो, 3D में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको स्टिकरिंग में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है जो RTFI के साथ ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिलता है, तो इसमें भी थोड़ा सा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो इंजन काउल के बारे में तो यहाँ पे TVS रेसिंग के स्टिकर देखने को मिलता है, और यहाँ पे बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं, पहले ऐसा नहीं जाता था। ये जाली जो चीज आप देख रहे हो, ये भी कुछ नया देखने को मिलता है। डुअल हॉर्न सेटअप के साथ आपको देखने को मिलता है, उतले लेकर कंपनी तो प्रोवाइड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर भी देखने को मिलता है, जो इंजन कट ऑफ सेंसर भी बोल सकते हो। यहाँ पे अपाची का ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे 5 गियर बॉक्स के साथ आपको देखने को मिलता है, 1 डाउन 4 अप, इसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फुटरेस्ट के बारे में बात करें तो यही रबर वाला फुटरेस्ट देखने को मिलता है, जो बहुत फ्लेक्सिबल है, एल्युमिनियम और रबर का दोनों को कॉम्बिनेशन में फुटरेस्ट आता है। तो पीछे के रियर फुटरेस्ट के बारे में बात करें तो वही एल्युमिनियम वाला
पुराना वाला स्कूटर देख लो। रियर सस्पेंशन जो देख सकते हो आप, रियर सस्पेंशन वही पुराना वाला स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है, इसमें भी कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए इसका इसका यहाँ पे देख सकते हो लेडीज फुटेज भी दिया गया है, जो 160 सीसी के सेगमेंट में आपको बहुत कम ही बाइक में दिखने को मिलता है। तो चलिए इंजन का तेल काउल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आरटीआर 160 और इंडिया का फ्लैग भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्टिकरिंग में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, वही टर्न लाइट इंडिकेटर, मड गार्ड आपको यहाँ पे देख सकते हो इसमें कितना चेंजेस किया गया है। चलो आपको दिखा देते हैं। अगर टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से कितना अच्छा व्यू इसका आ रहा है। तो इसमें इसमें जो था पहले भी एलईडी में आता था, अब भी एलईडी में आ रहा, पर इसका शेप कुछ चेंजेस करके दे रहा है कंपनी। तो इसका पीछे का व्यू भी आप देख अच्छा लगा। तो इसका गैप रेल के बारे में बात करूँ तो यह गैप रेल जो पहले में जो भी आता था अभी सेम देखने को मिल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, पर इसमें स्टिकरिंग में जो थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके एग्जॉस्ट के बारे में बात करूँ तो एग्जॉस्ट के मेरे को कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिला, वही पुराना वाला, पर इसका माफलर में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ये देखो ये जो पार्ट है इसमें अलग से ऐड किया गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे आरटीआर का ब्रांड भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे पीछे के टायर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको कहा है 110/80/17 इंचिस का ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलता है 17 इंचिस के अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पे 3.5 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो सिंगल चैनल एबीएस के साथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे रियर फुटरेस्ट, और यहाँ पे 160 सेगमेंट में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो मोस्ट 150 के अराउंड किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे इंजन का हुल को देख सकते हो, यहाँ पे टीवीएस रेसिंग का स्टिकर भी दिया गया है, यहाँ पे भी आरटीएफआई का ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो और इसका 3D में लोगो देखने को मिलता है। तो इसका अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो अराउंड 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और रिजर्व के बारे में बात करूँ तो 2.5 लीटर का आपको रिजर्व देखने को मिलता है। तो चलिए अगर इसका इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2-valve एयरकूल इंजन देखने को मिलता है। जो इसका मैक्स पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्स पावर 15.31 bhp 8400 rpm के साथ देखने को मिलता है। मैक्स टॉर्क 13.9 mm 7000 rpm के साथ आपको देखने को मिलता है। जो पावर के बारे में बात करें तो इसमें पावर आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसका वेट है, वेट के बारे में बात करें तो 140 kg के आसपास इसका वेट देखने को मिलता है। तो इसका अगर माइलेज के बारे में बात करें तो अराउंड 40 से 45 तक की आपको अराउंड माइलेज दे सकती है ये बाइक। तो आपको राइड पे भी डिपेंड करता है आप कैसे बाइक को राइड कर रहे हो। तो अगर इसके एग्जॉस्ट साउंड को भी सुन लेते हैं, इसको एग्जॉस्ट को भी सुन सकते हो। और ये बाइक तीनों वेरिएंट में देखने को मिलता है। जो मेरे पास है वो मिड वेरिएंट है, इसका टॉप वेरिएंट भी आता है। इसका मिड वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको 1,50,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, कोलकाता का ऑन रोड प्राइस है। और बाहर अदर्स कोई भी स्टेट से परचेस करना चाहते हो तो वहाँ पे डिफरेंस आपको प्राइस देखने को मिल सकते है। तो अगर इसके सीट कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो इसमें सीट भी बहुत अच्छा दिया गया है, पुराना वाला सीट है, पर इसमें आप बहुत मज़ा आने वाला है आपको राइड करने में। तो अगर कोई फैमिली गाड़ी आना चाहते हो, फैमिली कोई कार जाना चाहते हो, कोई बाइक आपके लिए सही है।